नवगछिया में देव्यापार के मामले का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एक होटल से पुलिस ने दो लड़की और दो लड़कों के साथ होटल मालिक और स्टाफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर नवगछिया पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र NH 31 स्थित मकनपुर चौक स्थित होटल राज पैलेस में छापेमारी की, जहाँ से सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि गोपालपुर पुलिस हिरासत में लिए गए युवक युवतियों और होटल कर्मियों से थाने में पूछताछ कर रही है। क्या किस तरह का सूचना मिला था? छापामारी का सूचना मिला था कि यहाँ कुछ अभी बात भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्र ने आगामी 13 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर गुरुवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला जज शिव गोपाल मिश्र ने राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि 13 अगस्त को वर्ष 2022 का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला जज ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में बिना किसी प्रकार के खर्च के आपसी सुलह के सुलहनीय मामले का निपटारा होता है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले वादों से छुटकारा मिल जाता है। जिला जज ने कहा कि भागलपुर व्यवहार न्यायालय, नौगछिया और कहलगांव कोर्ट भवन में न्यायिक पदाधिकारियों और पक्षकारों की मौजूदगी में विभिन्न प्रकार के विवादों का निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से भी कोर्ट से जुड़े वादों का निष्पादन करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि कोर्ट में लंबित किसी भी तरह के विवाद से सभी पक्षों को मानसिक रूप से परेशानी होती है, जबकि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर इस कार्यक्रम के माध्यम से लंबित मामलों की संख्या को कम करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मौके पर ACJM प्रथम प्रवाल दत्ता भी मौजूद रहे। बस यही है कि लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के अपनी समस्या का समाधान करके जाए और मुक्त होकर के काम करें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप ही काम करते हैं, कैसा भी है काम, मगर जो भी है हमारे पास, अब हम यहाँ पर आ गए, मान लीजिए हमारा कोई मुकदमा है, तो हम कैसे आगे अपना काम कर पाएंगे? 10 से 4 हम यहाँ पर बैठेंगे, वकील साहब घर पर बुला लेंगे, हम क्या करेंगे, है ना। दूसरी चीज़ है, तनाव रहता है आपके ऊपर, अगला डेट है, उस डेट में क्या होगा, हम जाएंगे क्या करेंगे, है ना। उस डेट गए, केवल तारीख पड़ गई या कोई एक स्टेप हुआ, एक आदमी तो पढ़ता है कि यार देखो झूठा मुकदमा हुआ है या ऐसा कमजोर मुकदमा हुआ है, और इसमें सुलह हो सकती है। दो मित्र हैं, आप ही लोग मान लीजिए एक दूसरे को धक्का मुक्की दे देते हैं, ये भी 323 हो गया। भागलपुर के गोराडी प्रखंड अंतर्गत मुरहन जमीन पंचायत में करीब 150 ऐसे लोग हैं जो वर्षों पूर्व मृत्यु होने के बाद भी मनरेगा में काम कर सरकार से पैसे ले रहे हैं। दरअसल सरकारी पैसे के लूट का यह धंधा वर्ष 2016 से जारी है, जबकि संबंधित विभाग के अधिकारी भी इसकी कोई खबर नहीं होने की बात कह रहे हैं। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल मनरेगा में जमकर लूट खसोट मची हुई है, और जॉब कार्ड के नामों का आकलन करने पर भागलपुर के गोराडी स्थित मुरहन गांव में काफी संख्या में ग्रामीणों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड के जरिए मजदूरी राशि में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मनरेगा एक्ट के तहत किसी भी परिवार के एक सदस्य को जॉब कार्ड आवंटित किया जाना है, लेकिन इस मामले में यहां काफी ढालमेल देखने को मिला है, जहां एक पंचायत में मतदाताओं से अधिक संख्या जॉब कार्ड धारकों की है। बताया जा रहा है कि मुरहन पंचायत में वोटर की संख्या 4773 है, जबकि जॉब कार्ड धारक की संख्या 5757 है। पंचायत में मजदूरों की संख्या 7400 से ज़्यादा है। केंद्र सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार पंचायत में मजदूरों की संख्या 7400 से अधिक है। केवल मुरहन पंचायत में 150 से अधिक मृत व्यक्तियों के नाम पर जॉब कार्ड हैं, जिनके नाम पर अभी भी सरकारी धनराशि से मजदूरी भुगतान जारी है। वहीं ऐसे में सवाल यह उठता है कि संबंधित विभाग द्वारा बिना पूरी तरह जाँच पड़ताल किए मनरेगा की राशि मृत व्यक्तियों को कैसे दी जा सकती है, जबकि नीतीश कुमार के शासनकाल में एक व्यक्ति को 4 बार मनरेगा योजना का लाभ देने का मामला सामने आया है।
इधर मृतक लाभुक चमकलाल गोस्वामी के पुत्र पवन गोस्वामी का कहना है कि उनके पिता की मौत 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है, जबकि उनके स्वर्गीय पिता के नाम पर मनरेगा से पैसे का भुगतान होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायतकर्ता चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका खुलासा किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया कि इस पूरे मामले में गोराडी प्रखंड के अधिकारी और यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि की मिलीभगत है, जिसकी निगरानी में यह भ्रष्टाचार का सारा खेल रचा गया है। साथ ही साजिशकर्ता ने इस भ्रष्टाचार की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को पत्र के माध्यम से देकर करोड़ों रुपये के इस महाघोटाले की निष्पक्ष जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मामला उजागर होने के बाद हरकत में आई भागलपुर डीडीसी प्रतिभा रानी ने मामले की जांच के लिए डीआरडीए डायरेक्टर प्रमोद पांडे को कहा है। डीआरडीए के डायरेक्टर प्रमोद कुमार पांडे ने गोराडी में मनरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों में अनियमितता होने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि जहां नाला निर्माण होना था वहां विगत 2 वर्षों से नहर और नाला निर्माण का कार्य नहीं हुआ है, जबकि जॉब कार्ड मामले में हुए भ्रष्टाचार को लेकर प्रमोद कुमार पांडे ने विभागीय स्तर से जाँच कर जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। गोराडी ब्लॉक का मुरहन जमीन पंचायत में कुछ मनरेगा योजना की अनियमितता की शिकायत पाई मिली थी, कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली थी। कुछ शिकायतकर्ता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उसी के संबंध में हम लोग आए थे। तो योजना में कमी तो है, मिली है कमी, उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कौन कौन लोग उसके लिए दोषी हैं और जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई। किस तरह की अनियमितता देखने को मिली? पहला तो ये है कि योजना का नाम जो है, जैसे मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय, कौन सा था जी प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय छोटी जमीन से प्रमोद सिंह, तो उस योजना में तारतम्यता ही नहीं है। उस योजना को दिख रहा है कि भाई अब बताया जा रहा है कि 2 भाग में बनाए 3 होते, ये गलत है। या तो अगर 2 भाग में था तो अलग अलग योजना बनना चाहिए था। दूसरी बात, ये ग्रामीणों से जो बात हुआ उसमें ये पता चला कि पहले वो नाली था, तो था तो अगर उसका जीर्णोद्धार हुआ तो जीर्णोद्धार की योजना बननी चाहिए थी, ये नहीं कि नया योजना। और अगर नया बना तो फिर अगर पहले से था तो उसमें ईंटा वगैरह जो निकला तो वो कहाँ गया, उसका भी आना चाहिए था। जांच टीम जो अभी जांच टीम ने जांच किया उसे उसमें स्पष्ट उन लोगों को कमियां पाई गई है, और जो मेरा आरोप था वो 100% सत्य उन लोगों ने पाया है, जो आप लोगों को भी स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया है। बस जांच के संबंध में किस तो तरह, किस तरह आरोप थे? हमारा आरोप है कि ग्राम पंचायत मुरहन जमीन में 100 से अधिक लेबर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो चुकी है, और वो आज के डेट में मनरेगा में कार्य कर रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत उनका जॉब कार्ड बनाया गया, उसमें एंट्री किया गया और फिर मनरेगा की राशि निकाली गई है मृत आदमी के नाम। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने गुरुवार को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। डीएम ने शहर के सैंडिस कंपाउंड, भैरवा तालाब और टाउन हॉल समेत शहर के कई जगहों पर चल रहे स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों का जायजा लेते हुए स्मार्ट सिटी के पदाधिकारी और इस कार्य से संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने को लेकर दिशा निर्देश दिया, जबकि डीएम ने काम में तेजी लाने के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य और बेहतर क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करने की हिदायत भी दी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि शहरी क्षेत्र में बनाए जाने वाले पार्किंग स्थलों को लेकर भी जगहों को चिन्हित कर लिया गया है, जिस पर परियोजना के तहत पार्किंग तैयार कर लोगों को इसकी सुविधा जल्द मुहैया कराई जाएगी। लगातार देख रहे हैं और आप लोगों ने देखा भी है कि लगातार निरीक्षण और नगर आयुक्त साहब का जो सतत इस पर मॉनिटरिंग चल रही है, उसके कारण काफी प्रोजेक्ट्स में गति आई है। स्मार्ट सिटी की जो भी प्रोजेक्ट्स हैं तो उसी क्रम में आज हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स को निकल करके देख रहे हैं। जो एक अल्टरनेट बाईपास भागलपुर शहर को मिलने जा रहा है उसका भी काम इस वीक में शुरू हो जाएगा, और वो घंटाघर से स्टार्ट होते हुए मायागंज अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उससे होते हुए सीधा विक्रमशिला पुल को जोड़ेगा। उसमें नाला, रोड, सोलर लाइटिंग सारी व्यवस्थाएँ जो हैं सुनिश्चित की जाएंगी। इसमें पाइपलाइन का काम पहले होना है, जो जलापूर्ति योजना है, तो बुडको के इंजीनियर को हम लोगों ने कहा है कि आप पाइपलाइन का काम पहले कर लें ताकि बाद में रोड को किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो। जहाँ खुले हुए नाले हैं और वो स्मार्ट सिटी क्षेत्र में पड़ता है, अभी आदमपुर के आसपास आप लोगों ने देखा, तो उसमें इमीडिएट काम शुरू होगा। जो हटिया रोड में नापी हुई है उसमें कई लोगों का अतिक्रमण पाया गया है,
उसमें अंचल अधिकारी और नगर आयुक्त दोनों को ये निर्देश दिया गया है कि अविलंब सभी को नोटिस करें और 2 सप्ताह का समय दे करके सारा अतिक्रमण जो है वो हम लोग हटाएंगे। उसी तरह से हटिया रोड को भी हम लोग बहुत खूबसूरत लाइटिंग नाला के साथ हम लोग बनाएंगे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति और प्रभारी कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने छठे दिन भी प्रशासनिक भवन के सामने धरना दिया। TMBU में एक तरफ जहां स्थायी कुलपति की मांग को लेकर छात्र राजद का अनिश्चितकालीन तालाबंदी जारी है, वहीं 12 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल भी चल रही है, जिस कारण छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कामकाज ठप है। इधर छात्र संगठन और कर्मचारी यूनियन की मांग का समर्थन गुरुवार को TMBU के सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद ने भी किया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 8 माह में प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे मात्र 4 दिन दफ्तर आए हैं, जिसके कारण छात्रों और कर्मियों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। मुजफ्फर अहमद ने कुलाधिपति फागू चौहान से TMBU में स्थायी VC की नियुक्ति जल्द करने की मांग की है। सीनेट सदस्य ने कहा कि विश्वविद्यालय में तालाबंदी एवं कॉलेज कर्मचारियों की हड़ताल के कारण TMBU को एक तरफ जहां आर्थिक क्षति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ UG एवं PG की परीक्षाएं बाधित हो गई है। उन्होंने बताया कि लगातार हो रहे आंदोलन के लिए तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी ही दोषी हैं। वहीं धरना पर बैठे छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर राजा राधिका रमन, कृष्ण बिहारी गर्ग, शांतनु राउत, आशुतोष यादव, उमर ताज, मुकुंद वत्स समेत दर्जनों छात्र मौजूद रहे। देखिए, ये दुर्भाग है भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय का कि विगत 8 माह में हमारे कुलपति महोदय ने अपना योगदान, अपना समय सिर्फ 4 दिन ही दिया। ऐसी हालत में विश्वविद्यालय में कैसे विद्यार्थियों का काम होगा? लाखों सर्टिफिकेट अभी तक उनका सिग्नेचर के वजह से रुका हुआ है। लोग यहां पर अपना जो जॉब के लिए अप्लाई किए थे उनका सर्टिफिकेट जमा करना है। बहुत सी परेशानियां यहां विद्यार्थियों को है। ये दुर्भाग है। हम ये सरकार से और कुलाधिपति महोदय से ये मांग करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ स्थायी कुलपति यहाँ पर दिया जाए, जिससे कि सुचारू रूप से ये जो बिगड़ा हुआ विश्वविद्यालय है, जो पटरी से जो उतर चुका है, इस ये विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चल सके। और जहां तक ये देखते हैं कि कुछ छात्र संगठन जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी वाजिब मांगों का हम समर्थन करते हैं और उनके साथ हम हैं, विद्यार्थी के साथ कॉलेज कर्मी भी हड़ताल पर। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 4-5-6 दिन से महाविद्यालय कर्मी भी हड़ताल पर हैं। इनका 24-25 सालों से सेवा सामंजस्य नहीं हो पाया है, जो वो दुर्भाग है ये। और इन जो समय दिया गया है, अगर ये 26 तारीख तक या 30 तारीख तक उनका सेवा संपुष्टि का काम आगे नहीं बढ़ाया गया तो उनका 1 माह का वेतन रुक जाएगा। ये सरासर जो है नाकामी कहिए, लापरवाही कहिए, ये विश्वविद्यालय के जो आपके पदाधिकारी हैं उनका है। हम लोग का तालाबंदी छात्र राजद द्वारा जो है लगातार 6ठा दिन है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार और राजभवन के द्वारा कोई गतिविधि नहीं है कि नियुक्ति करना है कि नहीं करना है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि बिहार सरकार और राजभवन कितनी शिथिलता और छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। हम लोग का जो तालाबंदी है वो जारी ही रहेगा जब तक नियुक्ति नहीं हो जाता है, और छात्र हित के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक स्थायी कुलपति नहीं आ जाता है। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। स
श्रावणी मेला को लेकर सुल्तानगंज गंगा घाटों में कांवरियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है और इसका फायदा उठाने के लिए घाटों पर चोर भी सक्रिय हो गए हैं। दरअसल सुल्तानगंज अजगैबीनाथ गंगा घाट पर पूजा अर्चना करने दूर दराज से आने वाले कांवरियों को लगातार चोरी की घटनाएं से जूझना पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। वहीं इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब जाह्नवी गंगा घाट के अध्यक्ष अजीत कुमार के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस प्रशासन, सीओ शंभु शरण राय और बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने स्थानीय पंडा एवं दुकानदार के साथ संयुक्त बैठक की। इस दौरान स्थानीय प्रशासन की ओर से कहा गया कि जो कोई भी चोरी की घटना को अंजाम देने में पकड़ा जाएगा उसकी अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी, जबकि सभी पंडा एवं दुकानदारों को भी अधिकारियों ने सख्त दिशा निर्देश दिया है। वहीं बैठक में सुल्तानगंज के दोनों घाटों पर सिविल ड्रेस में पुलिस प्रशासन की तैनाती करने के साथ ही जाह्नवी गंगा के 10-10 सदस्यों के टीम की अजगैबीनाथ गंगा घाट एवं नमामि गंगे घाट पर मौजूद रहने की बात कही गई है, जिससे कांवरियों की सुरक्षा के साथ चोरी जैसी वारदातों पर भी रोक लगाई जा सके। साथ ही कहा गया कि पंडा कांवरियों की पूजा के समय सामान को रस्सी से बांधकर पूजा कराएंगे और पूजा संपन्न होने के बाद सभी कांवरियों को सुरक्षित सामान वापस लौटा दिया जाएगा, जबकि सभी दुकानदारों को भी कांवरियों के सामान की सुरक्षा के लिए एक बक्से में सामान सुरक्षित रखने और देखभाल करने का निर्देश दिया गया है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन मेला के 8वें दिन गुरुवार को गंगटोक शहर के लाल मार्केट से शिव कांवरियों का जत्था पहुंचा, जहां कांवरियों ने अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। वहीं गंगटोक से पहुंचे कांवरिया कुसुम प्रधान ने बताया कि सावन महीने में बाबा भोलेनाथ के दरबार में कई वर्षों से जल चढ़ाने आते हैं और महादेव उनकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर उन सभी को बहुत खुशी मिली है और अजगैबीनाथ धाम में पूजा कर वे सभी वाहन से देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में भोलेनाथ को जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही श्रावणी मेला में प्रशासनिक स्तर से की गई व्यवस्था की भी उन्होंने सराहना की। इस दौरान कांवरिया जत्था में देवकी सुब्बा, रत्ना सुब्बा, सम्मी प्रधान और स्वामी प्रधान सहित काफ़ी संख्या में कांवरिया मौजूद थे। जाम की समस्या को देखते हुए नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन के नेतृत्व में भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग NH-80 CTS चौक और मड़वाड़ी पट्टी में सड़क किनारे फल और सब्जी बेचने वालों के साथ अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाते हुए अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान ललमटिया थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सहित दर्जन भर पुलिस के जवानों ने अतिक्रमण हटवाया और खाली कराए गए जगहों पर आगे से दुकान या ठेला नहीं लगाने की सख्त हिदायत दी। इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने कहा कि आए दिन जाम की समस्या को लेकर मोबाइल पर सूचना आते रहती है, जिसको देखते हुए चिन्हित जगहों से अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने कहा कि नाथाले रोड और नाथनगर थाना चौक से लेकर गोलदार पट्टी और स्टेशन रोड से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा, जबकि इसका विरोध करने वालों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने नाथनगर सिटी रोड स्थित चंपा नगर के राजकीय श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय से अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें उद्योग मंत्री महाविद्यालय की जमीन का अवलोकन कर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CV सिंह से इससे संबंधित सारी जानकारी ली। वहीं निरीक्षण के बाद मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कैबिनेट की पिछली बैठक में मुख्यमंत्री से नाथनगर स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज के जीर्णोद्धार पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद कॉलेज का टेंडर निकाला गया जो पास हो चुका है और करीब 125 करोड़ की लागत से इस महाविद्यालय का निर्माण नए ढंग से किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि यह महाविद्यालय सारी सुविधाओं से लैस होगा, जो बिहार झारखंड का सबसे सुंदर और बड़ा आयुर्वेद कॉलेज बनेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ जड़ी बूटी का भंडार है और इस कॉलेज की जो पहले चमक थी उसे वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी काफी सजग हैं। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री ने पूर्व में भी तपोवर्धन केंद्र को 60 करोड़ की राशि दी थी और ठीक उसी प्रकार से इस महाविद्यालय को करीब 125 करोड़ की लागत से बनाए जाने की तैयारी भी अब पूरी कर ली गई है। मौके पर जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, विधायक ललन पासवान, विधायक पवन यादव, नवल चौधरी, नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष जियाउर रहमान समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। देखिए, मुझे इस बात का सौभाग्य है कि जब कई आयुर्वेदिक कॉलेज
कैबिनेट में डिस्कस हो रहा था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से कहा हमारे नाथनगर आयुर्वेदिक कॉलेज का क्या होगा, तो उन्होंने कहा नहीं उसका भी होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा कि ले आइए, इसका एस्टिमेट बन गया है। ये 100 करोड़ से ज़्यादा का एस्टिमेट है। इसके अंदर जो PWD की बगल की ज़मीन है वो भी ज़मीन एक्वायर होके इसमें मिल जाएगी। ये संथाल परगना के बॉर्डर पर है, जड़ी बूटी का इलाका है। आयुर्वेदिक कॉलेज की जो चमक थी उसको नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी वापस लाएंगे। हम भी एक छोटा सा रोल गिलहरी वाला अदा कर रहे हैं। नवगछिया जीवी कॉलेज में छात्र राजद के द्वारा अस्थाई कुलपति की नियुक्ति और पाटू परीक्षा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। इस दौरान छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत सिंह ने कहा कि विगत 8 महीने से कुलपति लगातार विश्वविद्यालय से गायब हैं और अभी तक विश्वविद्यालय को अस्थाई कुलपति नहीं मिला है, जिससे शिक्षा समेत विश्वविद्यालय की सारी व्यवस्थाएँ चरमरा गई है। वहीं अपने मांगों के समर्थन में छात्र राजद ने कुलपति का पुतला दहन करने के बाद कहा कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अनियमितता, लूट, घोटालों के अलावा कई समस्याओं से ग्रसित है। साथ ही कहा कि वर्षों से शिक्षकों की बहाली लंबित है, जबकि स्थायी कुलपति और बदतर होती जा रही शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए छात्र राजद अपना प्रयास जारी रखेगा और मांग पूरी नहीं होने तक व्यापक स्तर पर आंदोलन भी चलाया जाएगा। मौके पर छात्र राजद के प्रदेश सचिव कमल यादव, जीवी कॉलेज के अध्यक्ष राजीव यादव, छात्र राजद नेता परवेज, शैलेश यादव, सुधांशु समेत छात्र राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो है अस्थाई कुलपति की मांग को लेकर कुलपति का पुतला फूंका गया, तिलकामांझी विश्वविद्यालय का कुलपति का। आए दिनों हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, तमाम छात्र को इतना परेशानी हो रहा है कि 8 महीने से जो है विश्वविद्यालय में कुलपति का पता ही नहीं है। 8 महीने से कुलपति गायब है और अभी तक अस्थाई कुलपति का हम लोग मांग करते आए हुए हैं, लेकिन अभी तक गठन नहीं किया तिलकामांझी विश्वविद्यालय में। इसको लेकर के छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 5 दिन से तालाबंदी करके विश्वविद्यालय में रखा गया है और हम लोग आज जीवी कॉलेज नवगछिया में छात्र राजद के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ मिल करके कुलपति का पुतला फूंकने का काम किए हैं।